नमस्ते बच्चों, मैं महेश जी पतंगे आप सभी नवी कक्षा के छात्र और छात्राओं को इस हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ संख्या है 6। पाठ का शीर्षक है चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूं, एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं बता देता हूं। लेखक का नाम है प्रदीप पंत। क्या है लेखक का नाम? प्रदीप पंत है। भाग एक पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आज हम क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर मैंने सविस्तार लिखा है। सबसे पहले हम पाठ का आशय जानेंगे कि हर एक पाठ को अगर पढ़ना है तो उसका उद्देश्य होता है, उसका एक आशय होता है कि ये बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखेंगे आशय क्या है। दूसरा है लेखक का परिचय, लेखक का संपूर्ण परिचय यहाँ पर प्रदीप पंत जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। और पाठ के कठिन शब्दार्थ, जो आपका पाठ के कठिन शब्दार्थ पढ़ने के बाद आप पाठ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद पाठ का आशय या सारांश, पाठ का भावार्थ सारांश कहानी को हम जान सकते हैं। तो बच्चों, चेरापूंजी से आया हूँ, नाम सुनकर ही मालूम होगा होगा चेरापूंजी कहाँ है। याद है ज्यादा वर्षा होने वाला प्रदेश चेरापूंजी कहा जाता है, जो मेघालय में आता है। तो मेघालय कहाँ आता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। अब भारत में आप देखा होगा आपने, भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोलकर चार दिशाएं होते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर का भारत, उसमें अलग से पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जो पर्वतीय इलाकों से घिरे हुए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों से घिरे हुए 8 राज्य है, जो पूर्वोत्तर में ही मेघालय आता है। मेघालय राज्य में ही चेरापूंजी भी आता है, जो प्रकृति का एक सुंदर दृश्य दिखने वाले जैसे 8 राज्य है जो पूर्वोत्तर में रहने वाले राज्य। मैं आपको बता देता हूँ 8 राज्य कौन से है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। ऐसे 8 राज्यों से बसा हुआ पूर्वोत्तर भारत, जो भारत के पूर्व दिशा में ये 8 राज्य है, जहाँ पर प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर अनेक नदियाँ, झरने, सरोवर बहते रहते हैं, पर्वतीय सुंदर पर्वतीय प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एरिया, जो चेरापूंजी कहाँ पर है आपको बताने आना चाहिए। चेरापूंजी मेघालय में आता है। मेघालय कहाँ आता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ 8 राज्य है उन्हीं राज्यों में से एक मेघालय राज्य है, उसी में क्या आता है? चेरापूंजी भी आता है। तो चेरापूंजी से आया हूँ बोलने का मतलब प्रदीप पंत अब एक बार चेरापूंजी की यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो वहां के अनुभवों को बताने का काम कर रहे हैं कि मैं चेरापूंजी से आया हूँ। तो आपको घर बैठे चेरापूंजी तो हम जा सक नहीं सकते, बहुत मुश्किल है जाना आना। तो हम घर बैठे चेरापूंजी के विवरण को इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं सर? आपने बताया कि चेरापूंजी कहाँ है, पूर्वोत्तर राज्य कहाँ है, 8 राज्यों में से एक है, ये सब बता दिया, लेकिन यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? बच्चों, आपने संकलित जाना होगा जो संग्रहित किया होगा, जीवनी जाना होगा जो जीवन के बारे में बताता है। तो ऐसे ब्रैकेट में डाले हुए मैं आपको बहुत से बार बता चुका हूँ। तो ये यात्रा वृत्तांत नया है सर, क्या कहते हैं? बच्चों, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखा यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अब हम कहीं घूमने गए, जैसे प्रदीप पंत चेरापूंजी गए थे, हम भी कहीं घूमने जाते हैं, प्रवास के लिए जाते हैं, तो उस प्रवास में जाकर वहाँ के प्रकृति सौंदर्य का, वहाँ के चित्रण का, अनेक विषयों के बारे में लिखकर, यात्रा वृत्तांत लिखकर हम उसे पाठ द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आगे और क्या कहते हैं देखो उसके बारे में। यह साहित्य की यह वह विधि है, एक साहित्य में एक विधि है, विधा है यानी प्रकार है यात्रा वृत्तांत, जिसमें लेखक किसी स्थान या यात्रा का वर्णन करते हैं। तो लेखक कहाँ गए हैं, उस
स्थान का वर्णन करते हैं, यात्रा का वर्णन करते हैं। जैसे प्रदीप पंत कहाँ गए थे, चिरापुंजी जाकर घूमकर आने के बाद यात्रा वृत्तांत को लिखा था। वैसे कोई साहित्य में लेखक कहीं गया होगा उसके बारे में लिखना वर्णन करना पड़ता है, और यह वर्णन रोचक होता है। वर्णन के दौरान लेखक लेखक किस स्थान के, यानी जहाँ जाते हैं प्रवास के लिए यात्रा के लिए, उस स्थान का इतिहास के बारे में लिख सकते हैं, उस स्थान के भौगोलिक के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ के सभ्यता के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ के भाषाओं के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी कर सकते हैं। इन सभी का वर्णन किताब के तौर पर, कहानी के तौर पर लिखकर आपको और हमको, पाठकों को यहाँ पर चिरापुंजी का परिचय कराने वाला ही क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत समझ में आया बच्चों? हम और आप अगर कहीं यात्रा को जाते हैं तो हम भी लिखने का काम करेंगे, तो वो भी एक ना एक दिन पाठ कहानी बन सकता है। तो यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं हमने देख लिया, अब हम पाठ का आशय देखेंगे, पाठ के आशय की ओर बढ़ते हैं। बच्चों चिरापुंजी से आया हूँ, ये यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक प्रदीप पंत है। जो हम आज इस पाठ का आशय जानेंगे, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, आपको प्रश्न आ सकता है कि चिरापुंजी से आया हूँ, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, तो हमें लिखने आना चाहिए। तो यात्रा से, यात्रा वृत्तांत कैसा है मैंने बता दिया है, तो यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें अनेक भारत के प्रदेशों का प्रादेशिक, यानी वहाँ के रहने वाले प्रदेश, जैसे हम कहीं महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, आंध्र प्रदेश गए तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु के बारे में, अनेक प्रादेशिक के बारे में, प्रदेशों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नए प्रदेशों का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदीप पंत चिरापुंजी गए तो चिरापुंजी का नया ज्ञान, नए प्रादेशिक का ज्ञान उन्हें मिल गया है। तो उसी प्रकार हम भी कहीं यात्रा पर जाते हैं तो प्रादेशिक क्षेत्रों का ज्ञान, यानी प्रदेशों का ज्ञान, वहाँ के लोगों का ज्ञान हमें मिल सकता है। उसके अलावा लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का, सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। अब कर्नाटक में अलग खान पान है, रहन सहन का मतलब पहनावा, हमारे कर्नाटक के पहनावे अलग है, यहाँ के खान पीना, खाना खाने के रीति रिवाज अलग है, यहाँ के त्योहारों के रीति रिवाज अलग है। तो महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ पर अलग होगा, तमिलनाडु जाइए वहाँ पर अलग होगा, आंध्र प्रदेश जाइए वहाँ अलग होगा। तो हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, खाना पीना अलग अलग तरीके का बनता है, पहनावे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, भाषाएं अलग अलग, कर्नाटक में आए तो कन्नड़ भाषा करते, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा बोलते, आंध्र में गए तो तेलुगु भाषा बोलते, तमिल में गए, तमिलनाडु में गए तो तमिल भाषा, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो उनका ज्ञान हमें मिलता है, उनके भाषा का ज्ञान, खाने पीने का ज्ञान, पहनाव का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, भाषा का ज्ञान हमें लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक दृश्यों का, जैसे पूर्वोत्तर भारत एक पर्वतीय इलाका है, पर्वतों से घिरा हुआ प्रदेश है, तो वहाँ पर निसर्ग का सुंदर चित्रण हम देख सकते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य, यानी सुंदरता को हम प्रत्यक्ष, यानी अपने आंखों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से अनुभव कर सकते हैं कि हम भी चिरापुंजी गए होंगे, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हमें मिल सकता है। इसके अलावा इस पाठ द्वारा छात्र चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। हम बिना सफर किए घर बैठे इस यात्रा वृत्तांत के जरिए प्रदीप पंत के अनुभव को, हम चिरापुंजी को हमारे सामने प्रत्यक्ष देखे जैसा अनुभव कर सकते हैं। तो इस पाठ से हम क्या है, प्रादेशिक ज्ञान ले सकते हैं, अनेक राज्यों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का, सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्र क्या है, चिरापुंजी का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। ये हुआ पाठ का आशय, अब हम पाठ के लेखक के परिचय की ओर बढ़ते हैं। बच्चा अब पाठ का आशय होने के बाद पाठ के लेखक का परिचय देख लेंगे हम। पाठ के लेखक का नाम है प्रदीप पंत, तो यहाँ पर नाम है स्टेप वन, प्रदीप पंत जी उनका नाम है। इनका जन्म दिनांक है 24 अप्रैल 1941 में हुआ, 41 आपको थोड़ा सा लिखने में हो गए थे, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जन्म दिनांक 24 अप्रैल 1941 में इनका जन्म होता है।
कहाँ पर होता है जन्म स्थान? जन्म स्थान लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर बच्चों? लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। प्रमुख रचना इनके न्याय मत्तु इतर कथेगळु, कन्नड़ में इनकी रचना है न्याय मत्तु इतर कथेगळु। यात्रा संस्मरणों के चार संकलन इनके रचना है। इसके अलावा इनको बहुत से पुरस्कार प्राप्त है। पुरस्कार कौन कौन से यहाँ पर हम देखेंगे। इनके पुरस्कार में यूरोप भ्रमण पुरस्कार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से यूरोप भ्रमण का पुरस्कार दिया गया है। आप पेज नंबर 42-43 निकालेंगे तो इनका लेखक परिचय और शब्दार्थ भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप वहाँ पर टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो आपको दोनों में भी समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 42-43 पर आप लेखक परिचय और शब्दार्थ दोनों भी देख सकते हैं। पुरस्कार में यूरोप भ्रमण पुरस्कार, प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, व्यंग्यश्री सम्मान, ये बहुत से पुरस्कार प्रदीप पंत जी को प्राप्त है। ये उनका पूरा जीवन का परिचय यहाँ पर मैंने दिया है, जिनका जन्म, जन्म स्थान, प्रमुख रचनाएं और उनके पुरस्कार के बारे में हमने जान चुके हैं। अब पाठ के आगे में शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। अब आगे हम इस पाठ के शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे बच्चों। शब्दार्थ अगर आपको समझ में आएंगे तो पाठ आसानी से समझ में आ सकता है। कुछ नए शब्दार्थ जानने के बाद आपको वाक्य रचना करने के लिए या पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो इस पाठ में उमड़ धुमड़ शब्द दिया गया है। उमड़ धुमड़ शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से घिरना या एकत्रित होना या छाना, चारों तरफ से घिर जाना या एकत्रित हो जाना या छा जाना भी होता है। हरितिमा, हरितिमा शब्द का अर्थ होता है हरापन, हरियाली। जैसे खेत में हरियाली फसल जब होती है तो हरा दिखता है ना, वैसा हर तरफ हरियाली हरियाली दिखना, हरापन। दरखत, दरखत का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। दरखत का मतलब पेड़ या वृक्ष। पटा यानी भरा हुआ रहना, पटा यानी भरा हुआ रहना। बूंदाबांदी, बूंदाबांदी का मतलब वर्षा या बादलों से गिरने वाली जल की बूंदे। बादल वर्षा गिरते ना, बूंदे गिरते ना, छोटे छोटे आकार में ऐसे वर्षा गिरते है, बूंदे होते। खपत यानी माल की बिक्री, खपत का मतलब सामान की बिक्री, बिक्री यानी व्यापार करना। पन बिजली, पन बिजली यानी जल विद्युत, पानी से तैयार किया जाने वाला जल विद्युत कहा जाता है। पन बिजली यानी पानी से तैयार किया जाने वाला जल विद्युत। निहारना, ध्यान पूर्वक देखना, निहारना यानी ध्यान पूर्वक गौर से देखना हर तरफ। कोहरा, धुंध या कोहरा, यानी जब ठंडी का मौसम होता है तो बर्फ गिरने लगती है या ठंडी से धुआं धुआं हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोहरा कहा जाता है उसे। वर्चस्व, आधिपत्य या प्राबल्य, अधिकार जमाना। वर्चस्व का मतलब अधिकार, आधिपत्य या प्राबल्य करना। तमाम यानी सारे, समस्त, पूरे। तमाम का मतलब सारे या समस्त होते हैं। और आगे कुछ शब्दार्थ है देखेंगे हम। बच्चे यहाँ पर आगे कुछ शब्दार्थ बचे हैं हमें देखना है। अंचल का मतलब होता है प्रांत, एक भाग या सीमा का समवर्ती भाग, यानी हमारा बॉर्डर, बॉर्डर का समवर्ती भाग। जैसे आंध्र महाराष्ट्र या कर्नाटक महाराष्ट्र का बॉर्डर होता है ना, उसका भाग, समवर्ती भाग। घुसना, प्रवेश करना, भीतर जाना। सौदा, क्रय विक्रय की वस्तु का या माल, यानी सामान बेचना, लेना देना। बेहिचक, बेहिचक यानी निसंकोच, बिना सोचे, बिना हिचकिचाए हुए, बे निसंकोच। मोड़, रास्ते आदि का घुमावदार स्थान। अब रास्ते में मोड़ आते हैं ना, घुमावदार रास्ता। प्रपात, प्रपात का मतलब ऊंचे स्थान से गिरने वाले जलधारा। पहाड़ी पे से ऊंचे स्थानों पे से पानी को ऊपर से नीचे गिरना यानी ऊपर से नीचे से पानी बहते हुए आना, उसे जलधारा कहा जाता है, प्रपात कहा जाता है। बे रोक टोक के मतलब बिना किसी के रुकावट के। लुका छुपे नहीं, आंख में चोली, कन्ना मुचले बोलते ना, छुपा छुपी का खेल बोलते हैं। उसके बाद सतह, किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सतह यानी किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सतह बोलते हैं। मशाल, एक प्रकार की मोटी बत्ती जो
लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर अधिक प्रकाश के लिए जलाया जाता है। आपने कहीं देखा होगा मशाल, ऐसे लकड़ी को बंधकर कपड़े के इस पर रहता है, पहले टॉर्च में रहते थे, तो उस मशाल को लेकर उजाला करने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए इस मशाल का प्रयोग किया जाता था। अब हमने पाठ का आशय देखा, चिरापुंजी से आया हूँ, पाठ 6 भाग 1 जो यात्रा वृत्तांत है, लेखक है प्रदीप पंत। हमने पाठ के आशय को देख लिया है, पाठ के कवि परिचय को देख लिया है, पाठ के शब्दार्थ देख चुके हैं। बच्चों अब पेज नंबर 40 पर आ जाओ, वहां पर मैं पाठ को वाचन कर कर आपको उसका भावार्थ समझा रहा हूँ, तो आप भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर पाठ 6, चिरापुंजी से आया हूँ, लेखक है प्रदीप पंत। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय का मतलब, मेघालय यानी बादलों का घर, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती रहती है। तो इस यात्रा वृत्तांत में प्रदीप पंत कह रहे कि मेघालय जो है बादलों का घर है। किसका घर है? बादलों का घर। आपको एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, मेघा बादलों का घर किसे कहते हैं? तो बादलों का घर मेघालय को कहा जाता है। जैसे मैंने पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य है बोला, उसमें मेघालय भी एक राज्य है। आगे देखो क्या कहते हैं, और मेघालय की राजधानी शिलांग। तो मेघालय कहां पर आता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। तो मेघालय क्या है? बादलों का घर है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। कौन सी है बच्चों? मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहां जहां हर वक्त बादल उमड़ते उमड़ते रहते हैं। मेघालय यानी बादलों का घर, जहां पर पर्वतीय नगर, उस मेघालय की राजधानी कौन सी बता रही है? शिलोंग। जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलोर है। उसी प्रकार मेघालय की राजधानी कौन सी है बच्चों? शिलोंग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर, एक हरा भरा हर तरफ हरियाली दिखने वाला, पहाड़ों से घिरा हुआ एक नगर है, कौन सा? शिलोंग। जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, हर वक्त बादल बनते बिगड़ते रहते हैं, बारिश की बूंदाबूंदी होती रहती है, थोड़ा थोड़ा बारिश होते रहता है, हर वक्त बादलों से भरा हुआ घिरा हुआ वर्षा से युक्त शिलांग, कहां पर? मेघालय में। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं होगा। यानी इतना बड़ा नगर है, स्वच्छ है, हर तरफ स्वच्छता है, कहीं भी कोई कचरा या गंदगी नहीं दिखाई देती, स्वच्छ है और सुंदर पर्वतीय नगर है। सुंदर है, दिखने में हर तरफ प्रकृति के सुंदर दृश्य दिख रहे, हरे भरे पेड़ दिख रहे, हरियाली दिख रहे, पर्वत दिख रहे, झरने दिख रहे, नदियां दिख रहे, तो सुंदर प्रकृति की सुंदरता को वहां पर दर्शाया जा रहा है। उत्तर भारत में ऐसा नगर शहर कहीं नहीं होगा बोलकर अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिख रहे हैं? लेखक प्रदीप पंत, चिरापुंजी से आया हूं बोलकर यहाँ पर वो उसका वर्णन सुंदरता से कर रहे हैं। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा हरितिमा यानी हरियालीपन, इस प्रकार का हरियालीपन, हरापन यानी हर तरफ हरियाली, हर तरफ पेड़ पौधे, हर तरफ जंगली इलाका, ऐसा कहीं देखा होगा? जो हरितिमा का मतलब बच्चों, हरितिमा का मतलब हरियाली से युक्त हरापन। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाते मार्ग दोनों ओर पहाड़ और दरख्तों से पड़ा है। अब वो प्रदीप पंत कहां से कहां जा रहे हैं? प्रदीप पंत मेघालय की राजधानी शिलांग से किधर जा रहे हैं? चिरापुंजी की ओर जा रहे हैं। ऊपर मेघालय गए, मेघालय से शिलांग गए, शिलांग से अब कहां पर सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हैं? चिरापुंजी की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर रास्ते में क्या क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं, रास्ते के आजू बाजू में क्या क्या है, वहां का सुंदरता का वर्णन प्रदीप पंत अपनी यात्रा वृत्तांत में कर रहे हैं। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यानी शिलांग से चिरापुंजी जाने के रास्ते में हर तरफ, अबे शिलांग से
चिरापुंजी जा रहे हैं तो रास्ते में पेड़ों से भरा हुआ इलाका है। हर तरफ रास्ते के इधर और उधर बहुत से पेड़ वहां पर लगे हुए हैं। कहां पर? शिलांग से चिरापुंजी जाने के रास्ते में पेड़ों से भरा हुआ है। दरखत का मतलब पेड़। और जगह जगह पर पहाड़ी इलाका है, इधर इधर पहाड़ पर्वत से भरे हुए हैं और इधर उधर रास्ते के इधर उधर पेड़, दरखत यानी पेड़, वृक्ष से भरा पड़ा है, पता है नहीं, भरा पड़ा रास्ता है। रास्ते के इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, उधर भी पहाड़ पर्वत, इधर भी पहाड़ पर्वत से भरा हुआ एरिया। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? शिलांग से चिरापूंजी की ओर जाते समय रास्ते में ये दृश्य दिख रहा है बोलकर प्रदीप पंत यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पकार रास्ता। रास्ता कैसा है? शिलांग से चिरापूंजी जाने वाला रास्ता कैसा है? ऐसा सर्पकार रास्ता है। सर्पकार यानी सांप कैसे चलता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सर्पकार का रास्ता है। कहां से कहां? शिलांग से चिरापुंजी जाने वाला रास्ता सर्पकार है। एक सा लेवल रास्ता नहीं है, स्ट्रेट रास्ता नहीं है, सर्पकार के जैसा, सर्प चलने जैसा रास्ता वहां पर है बोलकर बता रहे हैं। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ता है बादल बनते हैं, सुहाने हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। रास्ते में बादल बनते दिखाई देते हैं। रास्ता कैसा है? सर्प आकार का रास्ता है। रास्ते के चारों ओर पेड़ पर्वत से भरा हुआ है, हरियालीपन है और कभी कभी वहां पर बादल बनते बिगड़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी यानी बारिश, हल्की बारिश भी हुआ करती है कहाँ पर। और सुहाना, सुहानी हवा यानी सुंदर ठंडी हवा भी वहां पर बहने लगती है। कभी कभी बूंदाबांदी यानी बारिश भी हो जाया करती है बोलकर यहाँ पर प्रदीप पंत अपनी यात्रा वृतांत को शुरू करते हुए अपने अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे देखो, हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर, इसे आप कैसे लिखेंगे? 53 को इस प्रकार से आप उसे पढ़ सकते हैं, 53 ऐसे आप 53 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का दूरी बताया जा रहा है? हमारी जीप शिलांग से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। तो शिलांग और चिरापुंजी की दूरी कितनी बताई जा रही है? 53 किलोमीटर की दूरी पर दोनों शहर है। शिलांग से चिरापुंजी जाने को जीप में बैठकर प्रदीप पंत कितने किलोमीटर आगे जा रहे हैं? 53 किलोमीटर शिलांग की ओर, चिरापुंजी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त बैठे हैं। उनके साथ कौन कौन बैठे हैं उस जीप में? जो एक जीप में बैठकर 53 किलोमीटर का दूरी का दूर का फासला तय कर रहे हैं, उनके साथ वहां पर मेघालय यानी शिलांग से आए हुए एक अधिकारी है। उनका नाम क्या है? राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं। जीप है, जीप में प्रदीप पंत जी बैठे हैं। प्रदीप पंत के साथ मेघालय राज्य के अधिकारी श्री संगमा बैठे हैं और उनके साथ उनके दो दोस्त बैठे हैं। यानी चार लोग उस जीप में सफर कर रहे हैं। कौन कौन? प्रदीप पंत है, राज्य के अधिकारी श्री संगमा है और उनके दो दोस्त भी उस जीप में बैठकर जा रहे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ। वो जीप की खिड़की बंद करते हुए, बारिश हो रही होगी, जीप की खिड़की बंद करते हुए, डोर बंद करते हुए, खिड़की को बंद करते हुए संगमा से प्रश्न पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती है, होती रहती है? साल भर यहाँ क्या वर्षा होती रहती है? प्रश्न कौन पूछते हैं यहाँ पर? यहाँ पर प्रदीप पंत किसे पूछ रहे हैं? राज्य के अधिकारी श्री संगमा को यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीप में मैं खिड़की को बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? साल भर 12 महीने यहाँ पर वर्षा होती रहती है, कहाँ पर? मेघालय में साल भर वर्षा होती रहती है बोलकर प्रश्न कौन पूछते हैं? प्रदीप पंत राज्य के अधिकारी श्री संगमा से पूछते हैं। संगमा उत्तर दे रहे हैं, जी हाँ। संगमा कहते हैं, जी हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में कहाँ
खपत से ज्यादा पनबजरी का उत्पादन होता है। वो कहते हैं, किसके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं? प्रदीप पंत के प्रश्न को उत्तर कि साल भर यहाँ बारिश होती रहती है। वो संगमा कह रहे हैं जी हाँ, साल भर यहाँ बारिश होती रहती है, साल भर यहाँ पर बारिश होती रहती है। आपको जानकर ताजुब होगा, अचरज होगा, आश्चर्य होगा। ताजुब का मतलब आश्चर्य, अचरज होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजली का तैयार होता है। जो क्या करते हैं, मेघालय में खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं, ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यह सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता ही रहता है। यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर इतना बारिश होता है कि यहाँ पर खपत से ज्यादा बिजली का तैयार होता है। जितना बिजली हम बेच लगती है उससे भी ज्यादा बिजली का यहाँ पर पन बिजली नहीं, जल विद्युत से तैयार, जल से तैयार किया जाने वाला बिजली को जल विद्युत कहा जाता है, पन बिजली कहा जाता है। यहाँ पर बिजली तैयार होती रहती है। अगर हम पूरे गांव को यहाँ पर पूरे गांव को अगर हम बिजली से जगमगा उठाए, जैसे हम दीपावली में हर तरफ लाइट लगाते हैं, वैसा हर रोज अगर यहाँ पर हम लाइट लगाएंगे तो भी हमारे पास अतिरिक्त बिजली बचती है, ज्यादा से ज्यादा बिजली बचती है, और उस बचे बिजली को हम अन्य राज्यों को दे देते हैं, अन्य राज्यों को हम बिजली सप्लाई करते हैं, बोलकर संगमा किसे बता रहे हैं? प्रदीप पंत जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साल भर वर्षा होती है, यहाँ पर खपत से ज्यादा यानी बिक्री से ज्यादा पन बिजली का तैयार होता है। अगर हम यहाँ पूरे गांव को बिजली से जगमगाए उठे तो भी यहाँ पर हमारे पास बिजली और ज्यादा रहती है, और ज्यादा जो बची बिजली रहती है हम दूसरे राज्यों को हम बिजली सप्लाई करते हैं, बोलकर प्रदीप पंत जी को संगमा उत्तर देते हैं। आगे देखो, हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। हम क्या कर रहे हैं? पहाड़ों को निहारते हुए जीप में बैठकर जा रहे हैं। रास्ते के इस ओर और इस ओर दोनों ओर पहाड़ से भरा हुआ है, पेड़ों से भरा हुआ है, उसे देखते हुए निहारते हुए हम जा रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे में घिरी हुई है। तो सड़क के उस पार पहाड़ कोहरे में, यानी हमें कुछ नहीं दिख रहा, धुंधला सा दिख रहा है, कोहरा यानी धुआं सा दिख रहा है। जो हमें आगे का रास्ता या आगे पहाड़ है, रास्ता है, वो दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तीन पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय, खासी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत। मेघालय राज्य जो है तीन पर्वतों में बसा हुआ है, 1, 2, 3। इस प्रकार तीन पर्वतों पे मेघालय राज्य बसा हुआ है, तीन पर्वतों के आंचल में यानी उसके एक सीमावर्ती भाग में, एक प्रांत में, तीन पर्वतीय आंचलों में यहाँ पर क्या बसा हुआ है? मेघालय राज्य बसा हुआ है, बोलकर संगमा इसे कह रहे हैं, उनके उत्तरों का प्रश्न दे रहे हैं। कौन कौन से पर्वत है देखो, खासी पर्वत है, गारो पर्वत है, और जयंतिया पर्वत भी है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पर्वतों का परिचय वहां पर प्रदीप पंत जी हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज भाग एक में हमने क्या क्या पढ़ा है कि पाठ का आशय, पाठ के कठिन शब्दार्थ, लेखक का परिचय और पाठ का कुछ सारांश हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि एक कक्षा आपको समझ में आई होगी। फिर अगली कक्षा में भाग दो में हम पाठ पूर्ण करेंगे, और यहाँ तक जो पढ़ा है आपको समझ में आएगा। आप कठिन शब्दार्थ और एक बार पाठ पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो, तो कोई दिक्कत हो, तो बेझिझक मुझे फोन कर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।